हेलो फ्रेंड्स आइए आज हम पढ़ते हैं स्पार्क प्लग क्लीनर एंड टेस्टर के बारे में किस तरह से स्पार्क प्लग क्लीनर और टेस्टर गैराज इक्विपमेंट जो है काम करता है स्पार्क प्लग इज़ अ डिवाइस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक स्पार्क टू इग्नाइट द फ्यूल इनसाइड द सिलेंडर स्पार्क प्लग गेट्स डर्टी Spoiled and full of carbon deposit after continuous use. Cleaning and testing of sparklers is very necessary after a period of time of five thousand kilometer approximately for two wheeler and fifteen thousand kilometer approximately for four wheelers. Otherwise, the spark gap. बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ स्पार्क प्लग इज रेड्यूस्ड ड्यू टू कार्बन डिपोजिशन एंड प्रिवेंट टू अकर स्पार्क ऑल दो क्लीनिंग कैन बी डन मैनुअली बाय वायर ब्रश बट डूइंग इट विद द मशीन इज क्विकर ईजियर एंड एफिशियंट स्पार्क प्लग जो रहता है वो कॉन्टिन्यूस स्पार्क्स प्रोवाइड करते करते ड्यू टू बर्निंग ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर इन दी सिलेंडर उसके ऊपर कार्बन रेजिड्यू जो है जो के आफ्टर प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल होता है वो उसके ऊपर धीरे धीरे स्पार्क प्लग के ऊपर जम जाता है जिसकी वजह से जो स्पार्क प्लग का गैप होता है वो रिड्यूस हो जाता है और उसके रिड्यूस होने की वजह से प्रॉपर स्पार्क नहीं आ पाती और इंजन जो है या वो पर्टिकुलर सिलेंडर जो है सही से आउटपुट नहीं दे पाता तो हमें टाइम टू टाइम जो है स्पार्क प्लग को क्लीन और टेस्ट करते रहना चाहिए कि क्या वो सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है तो इसके लिए हमारे पास एक स्पार्क प्लग क्लीनर और टेस्टर इक्विपमेंट होता है जिसके अंदर हम स्पार्क प्लग को लगाकर या उसके अंदर डाल कर इंसर्ट कर, कर हम उसको क्लीन भी कर सकते हैं और उसको टेस्ट भी कर सकते हैं कि क्या वो सही चल रहा है या वो सही नहीं चल रहा है तो आइए पहले देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है और फिर डायग्राम की हेल्प से हम इसकी वर्किंग को समझेंगे क्लीनिंग के लिए भी और टेस्टिंग के लिए भी द स्पार्क क्लीनर एंड टेस्टर इनकॉर्पोरेट्स ऑल फीचर्स एंड डिवाइस नेसेसरी फॉर एफिशिएंट क्लीनिंग एंड टेस्टिंग इट कंसिस्ट ऑफ सैंड ब्लास्टिंग यूनिट या फिर सिंपली बोलने तो क्लीनिंग सिस्टम स्पार्क टेस्टिंग सिस्टम या इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग यूनिट फुल्ली एनक्लोज फाइबर ग्लास बॉडी एक व्यूइंग मिरर डिफरेंट रबड़ एडॉप्टर्स, प्रेशर गेज एब्रेसिवस यानी कि सैंड और वॉल्स तो आइए देखते हैं ये जो है किस तरह से क्लीनिंग सिस्टम यानि सैंड ब्लास्टिंग यूनिट और सैंड टेस्टिंग स्पार्क टेस्टिंग सिस्टम किस तरह से जो है वर्क करता है ये सारा हम समझते हैं एक डायग्राम की हेल्प से ये जो है हमारा एक स्पार्क प्लग क्लीनर और टेस्टिंग इक्विपमेंट है इसके अंदर ये एक चैम्बर है जिसके अंदर कंप्रेस्ड एयर जाती है और साथ में इसके सैंड यानी कि एब्रेसिव जो के हेल्प करेगा उसके ऊपर जमा हुआ डस्ट को मिटाने के लिए उसके आ, कार्बन को मिटाने के लिए हटाने के लिए एयर और सैंड ब्लास्ट सिलेक्टर कि हमें एयर भेजनी है या सैंड या दोनों ये स्पार्क प्लग का क्लीनिंग चैम्बर है जो ये छोटा सा है ये स्पार्क प्लग एडाप्टर इसके अंदर स्पार्क प्लग लगेगा वोल्टेज रेगुलेटर कितना करंट जब टेस्ट करना है तो देना है उसको यहाँ पे उसके लिए स्पार्क प्लग लगाएंगे एयर प्रेशर डालना पड़ेगा द, आ, वाइल टेस्टिंग फॉर इट्स करंट या उसका स्पार्क ये एक व्यू पॉइंट है यहाँ पे देखने के लिए और यहाँ पे एक शीशा लगा हुआ है जिससे हम कलर ऑफ स्पार्क ऑब्ज़र्व करेंगे और वो कब आ रही है स्पार्क वो ऑब्ज़र्व करेंगे तो क्लीनिंग चैम्बर को देख लेते हैं पहले यहाँ पे हम स्पार्क प्लग को रिमूव करके यहाँ पे लगाएंगे यहाँ से हम सबसे पहले सैंड और कंप्रेस्ड एयर को प्रेशराइज एयर को जो भेजेंगे जिसकी वजह से जो एब्रेसिव सैंड उसके साथ जाएगी वो पूरे के पूरे जो कार्बन डिपॉजिट होगा उसके ऊपर रब होगी और उसको रिमूव कर देगी उसके बाद हम सैंड को बंद कर देंगे और सिर्फ कंप्रेस्ड एयर भेजेंगे ताकि जो डस्ट जो सैंड, कार्बन को हटाने के बाद स्पार्क प्लग के गैप के बीच में कहीं रह गई हो तो उसके लिए वो स्पार्क प्लग को क्लीन करने के लिए हम कंप्रेस्ड एयर को भेजेंगे यहाँ से प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद हम स्पार्क प्लग को यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगाएंगे यहाँ पे लगाने के बाद वोल्टेज रेगुलेटर से हम उस पर करंट सप्लाई करेंगे जिसकी वजह से वहाँ पे एक स्पार्क प्रोड्यूस होगी और साथ ही में कंप्रेस्ड एयर भेजेंगे ताकि उसके अंदर जिस तरह से सिलेंडर के अंदर कंडीशन रहती है कंप्रेस्ड मिक्सचर होता है और उसके बाद उसका जो वर्किंग स्पार्क आता है उसी तरह से यहाँ पे उसके वर्किंग के लिए कॉम्प्रेस्ड एयर भेजेंगे और यहाँ से करंट को सप्लाई वोल्टेज सप्लाई करेंगे जिससे उस पर हमारे को हाई वोल्टेज की वजह से यहाँ पे स्पार्क मिले यहाँ से हम देखेंगे कि क्या वो मिरर के अंदर इसकी स्पार्क जो आई वो ब्लूइश कलर की स्पार्क आई कि नहीं आई अगर तो वो आई इसका मतलब के ये अभी वर्किंग कंडीशन में है वर्किंग कंडीशन में तब तो माना जाएगा जब इस मीटर पे ग्रीन कलर के रीजन के अंदर वो ब्लू स्पार्क हमें दिखेगी तो यानी कि वो स्पार्क प्लग बिल्कुल काम करने के लिए ठीक है अगर इसके रेड जोन के अंदर इस मीटर के रेड जोन के अंदर वो दिखेगी यानी कि अब स्पार्क प्लग जो है काम करने के लिए ठीक नहीं है तो इससे हमारे को ये पता लग जाएगा कि स्पार्क प्लग काम करने के लायक है या नहीं इसके लिए हम जो है इस्तेमाल करते हैं स्पार्क प्लग क्लीनर और टेस्टर फॉर चेकिंग ऑफ स्पार्क प्लग ग्रीन रेंज के अंदर अगर है वो तो स्पार्क प्लग जो है गुड है येलो रेंज के अंदर है तो यानी कि स्पार्क प्लग अभी कुछ सम, समय और चलेगा और अगर ब्लू स्पार्क रेड रेंज में आई यानी कि स्पार्क प्लग की कंडीशन इज़ वेरी पुअर और उसको हटाना पड़ेगा जो वोल्टेज सप्लाई करते हैं वो हम पंद्रह हज़ार वोल्ट के बराबर यानी कि फ़िफ्टीन के वी के बराबर जो है हम उसको वोल्टेज को सप्लाई करते हैं इसी के साथ एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि फॉर टेस्टिंग स्पार्क प्लग सेट द स्पार्क प्लग एज रिकमेंडेडेड बाय मैनुफैक्चर बाय फीलर गेज फीलर गेज की मदद से स्पार्क प्लग का हम जो गैप है पहले स्पार्क प्लग टेस्ट करने से पहले जो है उसको मेंटेन जरूर करेंगे अगर वो स्पार्क प्लग गैप सही नहीं होगा तो भी हमारी जो रीडिंग्स हैं या वो जो स्पार्क प्लग की टेस्टिंग है वो प्रॉपर से नहीं आएगी तो ये एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी इक्विपमेंट है फॉर टेस्टिंग ऑफ स्पार्क प्लग एंड क्लीनिंग ऑफ स्पार्क प्लग मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग